Welcome to the YouTube channel of Education World EW. Welcome to your class of accountancy. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, that is accounting of reserves, accumulated profits and losses. हम लोग एक्चुअली पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में हम लोगों का जो डाटा है उसमें हम लोगों ने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ट्रीटमेंट्स कर लिए, गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया है और हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट की प्रिपरेशन सीख ली है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कर लिया है. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये किया. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिजर्व्स एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का भी ट्रीटमेंट हम लोग कर लेते हैं. तो इट्स बेटर कि अगर आप अपने नोटबुक्स पे साथ साथ नोट करते जाओ. देखो, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात करते हैं. आपने ना इसको चेक कैसे करना, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की दो साइड होती है, राइट? एक होती है लायबिलिटी साइड और एक होती है एसेट साइड. ठीक है, लायबिलिटी साइड पे आपको सम में गिवन होगा या आपको वैसे पता होना चाहिए कि एक तो जनरल रिजर्व गिवन होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होता है. अगर लायबिलिटी साइड पे गिवन है तो उसका मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है. ठीक है, रिजर्व फंड जनरल रिजर्व का दूसरा नाम है, या सिंपल रिजर्व जो है वो भी एक ही मतलब है. जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और रिजर्व एक ही मतलब है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड माना जाता है इसको. और आपके पास रहेगा यहाँ पे IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, WCR, वर्क इन कंपनसेशन रिजर्व. अगर आप एसेट्स वाली साइड पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको समटाइम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने को मिल सकता है. अगर ऐसा होगा तो ये डेबिट बैलेंस माना जाएगा. ये कौन सा बैलेंस माना जाएगा? डेबिट बैलेंस, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां पे ऐसे ही दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस. तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो लायबिलिटी साइड से उठाया गया, अगर डेबिट बैलेंस है तो वो एसेट साइड से उठाया गया. एंड द सेकंड थिंग, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक चीज आपको देखने को मिलेगी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. ठीक है, ये आपके पास डिफरेंस रहेगा कि इस तरह से आपको ये रिजर्व जो है, जो टॉपिक है ना आज का, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व, तो वो ये प्रॉफिट एंड लॉसेस और रिजर्व जो है वो आपको गिवन होंगे. अब देखो, जो लाइबिलिटी वाला ना वो डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है, दोनों ही ऑपोजिट होंगे, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी किया जा सकता. ठीक है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करना है ना तो सिनेरियो क्या रहेगा. लाइबिलिटी जब हम खत्म, मॉडर्न अकाउंटिंग रूल याद करो, अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, क्या एसेट और एक्सपेंस. और अगर हम कैपिटल की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, या गेन्स की बात करते हैं, या लाइबिलिटीज की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज हो तो डेबिट होता है. तो ऑब्वियस है, इन लायबिलिटीज को अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व फंड, IFR, WCR, तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आप ये सारे रिजर्व्स को लिखोगे, ऑल रिजर्व्स. ठीक है, चाहे इसमें IFR आ जाए, चाहे इसमें WCR आ जाए, चाहे इसमें P&L आ जाए, ये सबका सब हो जाएगा डेबिट. क्या हो जाएगा? डेबिट. किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? सारे के सारे पार्टनर्स, राइट? अगर हम एसेट साइड वाले डिस्ट्रीब्यूट करने पे आ जाए तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी. किस तरह से? ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस अलॉट. ठीक है, क्लियर? ये आपको पता हो जाना चाहिए कि लाइबिलिटी साइड पे ये वाले डाटा गिवन होते हैं, उनको हम रिजर्व्स P&L कहते हैं. एसेट साइड पे ये वाले गिवन होते हैं, उनको हम रिजर्व्स और P&L कहते हैं. और अगर हमने लायबिलिटी साइड वाले डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो वो ऑब्वियस है, डेबिट अगर हम पुट करेंगे तो फिर वो फिनिश होंगे और सारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. तो इसका मतलब पार्टनर अकाउंट में वो क्रेडिट साइड पे जाएगा और एसेट का उससे ऑपोजिट हो जाएगा. तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि रिटेन्ड एंड नॉट टू बी रिटेन्ड, दो चीजें रहती है, रिटेन्ड एंड नॉट टू बी रिटेन्ड. रिटेन्ड का मतलब क्या है और नॉट टू बी रिटेन्ड का मतलब क्या है? नॉट टू बी रिटेन्ड का मतलब ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूट. तो डिस्ट्रीब्यूट का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया. Not to be retain का मतलब ये होता है continue with the existing reserves. अब ये याद रखना कि इसके लिए gaining और sacrificing ratio जो है वो calculate करनी पड़ती है retained वाले के लिए. ठीक है, और जो not to be retained होता है ना उसके लिए old ratio काम आती है. उसके लिए क्या काम आता है? ओल्ड रेशो. ये आपको पता होना चाहिए. अगर आप रिटेन कर रहे हो तो आप क्या करोगे? अब ये भी दोनों अलग अलग एंट्रीज रहती है. किस तरह से? अगर तो लाइबिलिटी साइड वाले रिजर्व हैं, लाइबिलिटी साइड वाले रिजर्व हैं, तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस. जो गेन करेगा ना वो अपने अकाउंट से पैसा निकाल के किसको देगा? सेक्रीफाइस.
और अगर एसेट साइड वाले हैं तो ऑपोजिट हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स, क्लियर? इस तरह से ही रहेगा। तो अब चार एंट्रीज हम लोग अभी तक कर चुके हैं ना, कि अगर तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो लाइबिलिटी साइड वाले जो है वो ऑल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, अगर एसेट साइड वाले हैं तो पार्टनर्स टू ऑल रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी होगा। अगर हमने रिटेन करके चलना तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट होंगे लाइबिलिटी वाले और एसेट वाले डिस्ट्रीब्यूट होंगे सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, ऑपोजिट ऑपोजिट जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, दो रिजर्व्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहली बात, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? कहता है फर्म के प्रॉफिट्स में से हम लोग जो रिजर्व निकालते हैं लाइबिलिटी पे करने के लिए। देखो, आपके पास जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ना, उन एम्प्लॉइज का काम करते हुए कभी भी कोई भी डैमेज एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। अब उनके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, उसके लिए अगर आप प्रोविजन बना के रखते हो, अलग से पैसा रखते हो, उसको हम लोग कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किसमें से निकाला जाता है? प्रॉफिट्स में से। जो प्रॉफिट्स हमने पिछले सालों में कमाए होते हैं हम उसमें से ये रिजर्व अलग बना के चलते हैं, क्योंकि इन केस अगर एम्प्लॉइज की लायबिलिटी अराइज हो गई, अगर इन केस है ना, मे और मे नॉट अराइज, अगर अराइज हो जाती है तो हम उनको क्लेम दे देंगे, अगर अराइज नहीं होती तो वो सारा का सारा पैसा पार्टनर्स को जाएगा। ठीक है, मतलब हम पार्टनर्स हैं, हमने ही वो रिजर्व बनाया, हमने ही वो पैसा अलग निकाल के रखा है। तो इन केस अगर कोई वर्कमैन का नुकसान हो जाता है तो पहले हम क्लेम पे करेंगे, और अगर नुकसान नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर क्लेम कम हो या ज्यादा हो उस सिनेरियो में किस तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में एक तो ये रहेगा कि क्लेम नहीं होगा, ठीक है, या तो फिर क्लेम होगा। अगर क्लेम होगा तो सिनेरियो ये है, जैसे सपोज करो आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000 का, ठीक है, और आपका जो क्लेम है ना, आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस आए वर्कमैन कंपनसेशन को लेके, वो भी 30,000 आए, तो ये तो हो गया इक्वल वाला, है ना, ये कौन सा हो गया, इक्वल वाला। अगर मोर देन वाले की बात करें तो 30,000 आपका रिजर्व है जबकि आपका क्लेम जा रहा 40,000, तो ये 10,000 हमें अपनी जेब से डालना पड़ेगा, अपनी पॉकेट से डालना पड़ेगा पार्टनर्स को। अगर क्लेम लेस देन है तो इसका मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 है बट इसका क्लेम कितना है 20,000, तो 10,000 जो बच गया वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करता है, इसमें भी जर्नल एंट्रीज रहेगी। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है, पहले इसकी एंट्री पोस्ट करता है, तो रिजर्व सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट, किस रेशो में जाएगा? अगर मैंने आपको पहले बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो ये पुरानी रेशो में जाएंगे, ओल्ड रेशो में, क्लियर? सेकंड पॉइंट ये है, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन है 30,000, क्लेम भी है वो भी 30,000, तो भी एंट्री क्या आएगी, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, 30,000 का 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन आपके पास 30,000 है और आपके पास जो क्लेम है वो 40,000 है, तो ऐसा रहेगा कि मेरे पास रिजर्व जो है वो 30,000 का जा रहा है जबकि मेरा जो क्लेम है वो 10,000 है, सॉरी 40,000 है, तो ये 10,000 हमें अपनी पॉकेट से डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ये 10,000 रीवैल्यूएशन में ले जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो भी कराऊंगी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, ये 10,000 हम रीवैल्यूएशन में ले जाएंगे और इसके लिए पेमेंट हम लोग करेंगे, तो सेकंड एंट्री आएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ये किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड रेशो में ये 10,000 हम लोग अपने अपने हिस्से के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 है, क्लेम जो है वो 25,000 का, राइट? तो ऐसा करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू क्लेम 25,000, बाकी 5,000 जो है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स को, दैट्स इट। ये रहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या कहता है? अब देखो, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आपके पास गिवन रहता है इन्वेस्टमेंट्स,
सपोज करो आपको इन्वेस्टमेंट्स कितना ना 40,000। अब मार्केट में ऐसा होता है कि हम जिस भी चीज में, जिस भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसमें हम लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चीज की रहती है कि उनके जो मार्केट के प्राइसेस हैं, जो मार्केट वैल्यूज है, या तो कम होते हैं या ज्यादा होते हैं। ऐसा सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? इन्वेस्टमेंट्स के केस में देखने को मिलता है। तो हम लोग रिजर्व बना के चलते हैं, क्योंकि इन केस इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो हमें बेनिफिट हो जाएगा। इन केस इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कम हो गया तो हमें नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान को पूरा करने के लिए हमने रिजर्व बनाना होता है। क्या बनाना होता है? रिजर्व बनाना होता है। तो उसका ट्रीटमेंट अब हम लोग देखेंगे। अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। देखो, अगर तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट 30,000 है, मार्केट में भी उसकी 30,000 वैल्यू है, तो आप रिजर्व यूज नहीं करोगे, ठीक है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम है तो आपको फायदा, ठीक है। और तीसरी चीज, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट में जो फिगर रहेगा वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा, फिर आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक एक करके जो है वो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू है जो वो है 30,000, मार्केट वैल्यू है 30,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम बना के रखे हैं 10,000, क्लियर, ठीक है। अब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू अगर इक्वल है ना, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू ऑल पार्टनर्स। किस रेशो में? इक्वल रेशो में, दैट्स इट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर बुक वैल्यू है 30,000, मार्केट वैल्यू है 25,000 और वही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000, अब देखो मार्केट में वो चीज 25,000 की बिक रही है जिसको आप अपनी बुक्स में 30,000 का लिख के रखे, सीधी सीधी बात 5,000 का लॉस। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ना, इस तरह से करना कि 10,000 का रिजर्व है टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में ये 5,000 यूज हो गया, बाकी 5 चला गया पार्टनर्स को। तो ये केस कौन सा होगा? ये वो हो गया जब हमारे पास IFR ज्यादा है, इससे डिफरेंस है ना, फॉल वैल्यू से। इन केस सेम सिनेरियो लेके चलता है, बुक वैल्यू 30,000 है, मार्केट वैल्यू 18,000 होगी, ठीक है, और IFR फिर हमारे पास 10,000 है। यहां पे देखना IFR की वैल्यू जो है वो कम है फॉल वैल्यू से। यहां पे अब हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। IFR जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो हमने कहा 10,000 का हमारा रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट्स में हमें जरूरत पड़ गई 12,000, तो 2,000 कहां से आएगा? पार्टनर्स देंगे, पार्टनर्स देंगे तो रिवैल्यूएशन में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2,000 एक्स्ट्रा चाहिए, ये 2,000 जो है वो पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। देखो सिनेरियो सेम वैसा है जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे करा, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब ये तो था जब मोर देन और लेस देन हो गया, अगर इक्वल होगा तो फिर पार्टनर्स को इक्वली चला जाएगा, है ना, IFR टू ऑल पार्टनर्स, सॉरी अगर 10,000 फिर सारा का सारा इन्वेस्टमेंट्स में चला जाएगा। सपोज करो बुक वैल्यू जो है वो 30,000 है, मार्केट वैल्यू 20,000 है, IFR 10,000 है, तो सारा का सारा IFR यूज हो गया ना टू इन्वेस्टमेंट्स, 10,000 सारा का सारा यूज हो गया, कुछ भी पार्टनर्स को मिलता, ठीक है, क्लियर है। इन केस एक केस अब ये भी है, बुक वैल्यू है 40,000, मार्केट वैल्यू है 50,000, देखो ये जो रिजर्व है ना 10,000 का बनाया हुआ है, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये तो बड़ी बात मैंने बता दिया कि IFR टू ऑल पार्टनर्स, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका जो 10,000 का आपको गेन मिल रहा है, आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं ये 52,000 कर देती हूँ, 12,000 का ये जो गेन मिल रहा है ये किसको मिल रहा है? पार्टनर्स को मिल रहा है, किसको मिल रहा है? पार्टनर्स को। तो ये रीवैल्यूएशन में जाएगा, किस तरह से? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में जस्टिफाई हो जाएगा कि एंट्री ऐसे क्यों आई, वो इसलिए आई क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में ना अगर एसेट इंक्रीज हो तो क्रेडिट साइड जाता, अगर एसेट इंक्रीज हो तो क्रेडिट साइड जाता है, इसीलिए रिवैल्यूएशन को क्रेडिट मिलेगा, ठीक है, और बाद में ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। तो ये था आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नाउ इसके बाद में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सबसे ज्यादा एंट्री बेटा आपको यही देखने को मिलेगी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट की, इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हिच डजंट ब्रिंग एनी एसेट इनटू एग्जिस्टेंस
बट इट्स बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट इन द मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, इनको तीसरे सेशन की बात होता है। अब सपोज करो आप किसी सेलिब्रिटी की एड करवाते हो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, और उनके जो चार्जेस है वो इन द करोड़ है। सपोज करो उसने आपसे 2 crore जो है वो चार्ज किया, तो अगर आप वो 2 crore का खर्चा एक ही एनुअल ईयर में डाल दोगे तो वो तो ऑब्वियस है लॉस में जाएगी कंपनी, है ना, उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर ईयर की लॉस में जाएगी। बट क्योंकि उस सेलिब्रिटी की एड का हमको नंबर ऑफ ईयर्स में फायदा मिलता है, उसको फिर हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, मतलब जिनका फायदा, जिनका जो एडवांटेज है, बेनिफिट जो है वो हम आने वाले सालों में भी ले सकते हैं, उसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो मोस्टली इसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ही आता है। अब जैसे आप ये समझोगे कि 5 साल तक यही एड चलेगी और इसका फायदा हमें 5 साल तक मिलेगा, तो 2 crore जो आपने खर्चा है ना वो आपका 1 साल का नहीं है, वो आपका 5 साल होगा, तो 5 सालों में डिवाइड हो जाएगा। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो आपको गिवन होता है एसेट साइड पे, गिवन ऑन एसेट साइड, एसेट साइड पे गिवन होता है। अब आप इसको किस तरह से वो करोगे, क्या कहते हैं, राइट ऑफ करोगे आप, अगर एसेट राइट ऑफ हो तो वो क्रेडिट साइड जाता है। आप करोगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कौन सी रेशो, ओल्ड रेशो, दैट्स इट, फिनिश। नाउ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी रिटेन्ड। अब रिटेन करने हो अगर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, तो फिर हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, अगर रिटेन करने हैं तो अगर एसेट साइड वाला डाटा होगा ना और लाइबिलिटी साइड के, दोनों के हम अलग अलग लेंगे, ठीक है। पहली बार हम नेट इफेक्ट की सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करते हैं, क्या पास करते हैं, सिंगल जर्नल एंट्री। अब वो किस तरह से हम पास करेंगे, एसेट का मतलब है नेगेटिव बैलेंस, ये याद रखना, लाइबिलिटीज का मतलब है पॉजिटिव बैलेंस, ये याद रखना, कि अगर, क्योंकि पता क्या बात है, रिजर्व का मतलब पैसा आपकी जेब में है, आपके पास है, आपकी कस्टडी में है, आप कभी भी यूज कर सकते, ठीक है। तो आप वैसे तो कहोगे कि लाइबिलिटी हमारा कर्जा होता है, बट रिजर्व जो आपने बना के रखे, बात तो हम उसकी कर रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव थिंग है। तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड वाले जितने भी रिजर्व है ना, वो हम लोग सारे प्लस प्लस में लिख लेंगे, मतलब जैसे जर्नल रिजर्व है प्लस में लिखेंगे, IFR है ज्यादा है तो प्लस में लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन ज्यादा है तो प्लस में लिखेंगे, P&L अगर क्रेडिट वाला है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस करेंगे इसमें से P&L डेबिट वाला, माइनस करेंगे इसमें से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो बचेगा अगर तो वो पॉजिटिव वैल्यू है तो जाएगी गेन इनटू सेकंड प्राइस, जो मैंने आपको पहले बताया, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो ये जाएगा सेक्रीफाइसिंग टू गेन, दैट्स इट। किस रेशो में जाएगा, अब अगर नाम ही सेक्रीफाइस आ गया और गेनिंग आ गया तो फिर ये उसी रेशो में जाएंगे ना, सेक्रीफाइस में गेन में। नाउ एनसीक्यू करता, एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स व्हिच रिजल्ट्स इन एन एंड ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट and enforces making a new agreement. पुराना agreement आपका खत्म हो जाता है, नया agreement existence में आता है, इसको हम लोग reconstitution कहते हैं, क्या कहते हैं, reconstitution. ABC are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They decided to share the profits in the ratio of 2:3:5. What will be the accounting treatment of workmen compensation reserve appearing in balance sheet on the date when no other information is available? अगर आपको information available ना हो, जिसका मतलब ये है, अगर आपको मेंशन किया होगा ना, पार्टनर्स डिसाइडेड टू कंटिन्यू या टू नॉट राइट ऑफ या टू रिटेन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर कुछ भी नहीं कहा गया तो राइट ऑफ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, राइट ऑफ, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे ओल्ड रेशो। नेक्स्ट इज मीरा मायरा एंड नायरा वर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 2:2:1। मीरा मायरा एंड नायरा 2:5, 2:5, 1:5, इनका ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो में इनके पास है 7:15, 5:15, 3:15 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April। देयर बैलेंस शीट शोड 45,000 इन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। आपको यहीं से समझ आ जाना चाहिए कि ये डेबिट बैलेंस है, यानी एसेट साइड की आइटम है, ठीक है। अमाउंट टू बी डेबिटेड, क्या डेबिट होगा, तो इनका रेशो क्या है 2:2:1, तो हम लोग 45,000 को ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे। किस रेशो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशो में, 5:9:9:18, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ट्रू फॉल्स है, रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, वेरी ट्रू। अभी तो हम इसका न्यूमेरिकल करके हटे कि हाँ कर देना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट। व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देयर इज नो नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, व्हिच इज रॉन्ग, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूशन, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे या उसके टाइम पे
वो होता है कि कहते हैं accumulated profit or losses का adjustment रहता है. Now A and B are partners. They decided, in the ratio of 3:2, they decided to share profits equally on the date of the change. P&L has debit balance. अब debit balance है, इसका मतलब वो asset side पे appear हो रहा है. तो अगर वो asset side पे appear हो रहा है, तो हम लोग उसको credit side पे लिख के खत्म करेंगे. तो A account debit, B account debit, to advertisement suspense account. Advertisement suspense account है 5,000 का, किस ratio में distribute होगा? Gold, 3,000 इसका. 2,000 उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं. किस रेशो पे करते हैं? ओल्ड रेशो. इस रेशो पे करते हैं ओल्ड रेशो. इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंजेस एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, यहां पे उसने बोला मार्केट वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से, फायदे वाली बात है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. यहां पे उसने अकाउंट पूछा ना, तो कैपिटल अकाउंट में जाकर सारा कुछ पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है. ABC are partners sharing profit and losses on the ratio of 5:3:2. They decided to share profits 2:3:5. Workmen compensation reserve exists in balance sheet. और उसको हम distribute करेंगे old ratio. किसमें distribute करेंगे? Old ratio में. तो ये आपका पूरा का पूरा lecture था आज का. Thank you so much. I hope आपने इसको note कर लिया हो, ताकि आपके पास अगर आप entries note करके रख लोगे एक proper chart में, जिस तरह से यहाँ पे मैंने आपको करवाया, तो आपको exam में आसानी रहेगी. So thank you, see you soon in the next lecture. उसमें हम revaluation account करेंगे.